नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइज पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज इस वीडियो में ONGC के बारे में कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करने वाले हैं। रिक्वेस्ट करेंगे पूरा वीडियो पे बने रहिए, कहीं स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, ऐसे जो है हम लोगों ने एक रिसर्च किया है जहाँ पे देखे हैं कि ऐसे ज्यादातर जो है व्यूअर्स हमारे YouTube चैनल के जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी स्टॉक का टारगेट प्राइस दिया है 100% वो कंप्लीट हुआ है, और ऐसा कुछ भी हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन हमारे YouTube चैनल पे नहीं दिखाते हैं जहाँ पे आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हम लोग कोशिश करते हैं कोई भी स्टॉक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन हम लोग ले ले, उसके बाद ही वो प्रोवाइड किया जाए। और अगर आप हमारे YouTube चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता रहेगा कि जब हम लोगों ने ये चैनल शुरू किया था तब से लेके अभी तक हम लोगों ने कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमारे YouTube चैनल पे शेयर नहीं किया है दोस्तों। ये स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं आपके साथ, स्टॉक के टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस शेयर करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बता रहे हैं कि जो भी स्टॉप लॉस या टारगेट प्राइस हम लोग कोई भी स्टॉक के बारे में आपके साथ शेयर करते हैं वही टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू शेयर करते हैं, खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए कोई भी स्टॉक जब आप खरीदते हैं या फिर सेल करते हैं। और एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ही जल्दी जो है हम लोग हमारे दूसरा एक YouTube चैनल ला रहे हैं जहां पे आपको स्टॉक के जो भी कंपनी का आप स्टॉक खरीदते हैं वो कंपनी का फंडामेंटल क्या इन्फॉर्मेशन है, कंपनी में क्या चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग हमेशा बोलते हैं जब भी कोई स्टॉक लेते हैं आप हमेशा आप देखिए कि वो स्टॉक का जो कंपनी है उसमें क्या चल रहा है, क्योंकि कोई भी कुछ भी स्टॉक के बारे में अपडेट आता है तो हम लोग को पता है कि उसमें जो है एक मजबूत या डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। अगर आप कंपनी के बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसमें अच्छा जो है आपको रिटर्न आगे देखने को मिल सकता है। भारतीय एयरटेल के बारे में जब स्टॉक का प्राइस 400 के आसपास था तभी भी हम लोगों ने बताया था ले सकते हैं आप, अभी देख सकते हैं उसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, रॉयल आर्चिड, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जहां पे हम लोगों ने जो टारगेट दिया अच्छा खासा उसमें रिटर्न मिला है। ऐसे जैसे कि रिलायंस कैपिटल में अच्छा हम लोगों ने आप लोगों के साथ जो है टारगेट प्राइस दिया है। ONGC का प्राइस आप देख सकते हैं हमारा पुराना वीडियो, जब स्टॉक का प्राइस 68 रुपीस के आसपास चल रहा था तभी हम लोगों ने 95 से लेके 96 रुपीस का टारगेट प्राइस दिया था, और उसके बाद वो हिट होने के बाद भी दूसरा भी एक टारगेट प्राइस दिया था तो वो भी हिट हुआ है। तो ऐसे ही दोस्तों हम लोग शेयर करते हैं आपके साथ अच्छे वाले स्टॉक की इन्फॉर्मेशन। तो रिक्वेस्ट करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर दीजिए अभी। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बातें। यहाँ पे ONGC के बारे में जो बात कर रहे हैं हम लोग, पता है हम लोगों को कि क्यों स्टॉक में जो है बीच में गिरावट देखने को मिला था, और उस समय भी हम लोगों ने आपको बताया था कि हो सकता है कि 15-20 दिन एक महीना रुकेंगे तो इसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। 6 महीना पहले देखेंगे स्टॉक का प्राइस 84.85 पैसे चल रहा था, उसके बाद यहाँ पे जो एक गिरावट देखने को मिला, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप अच्छा खासा स्टॉक में गिरावट देखने को मिला था, फिर से इसमें जबरदस्त मजबूती दिया है ये स्टॉक ने। 6 महीने के अंदर ये स्टॉक ने रिटर्न दिया है 17.27% का। 1 महीने के अंदर ये स्टॉक ने, अगर यहाँ पे देखते हैं 1 महीना पहले स्टॉक का प्राइस था 71.65 और 1 महीने के अंदर ये स्टॉक ने रिटर्न दिया 38.87% का। 5 डेज में ये स्टॉक ने रिटर्न दिया है 0.4% का। 1 डे पे थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक गिरावट देखने को मिल रहा है, इसलिए अगर फिलहाल आप ONGC का स्टॉक खरीदने का सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक सकते हैं आप, थोड़ा इसमें और डाउन टर्न दिखेगा तो इसमें खरीदे, और अगर लेके रखे हैं आप 9900 या फिर 102 के प्राइस में तो थोड़ा इसमें आप बने रह सकते हैं जहां पे आगे आपको रिटर्न देखने को अच्छा मिल सकता है। एक दिन पहले का ओपन प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस देखेंगे स्टॉक में, तो स्टॉक ओपन हुआ था 101.50 रुपया में, हाई प्राइस दिया है 102.30 रुपया का और लो प्राइस दिया है 98.15 पैसे का, और यहाँ पे देख सकते हैं 1.97 का स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। NSE का जो है थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, NSE की वेबसाइट पे आ गए,
ट्रेडेड वॉल्यूम आप देख सकते हैं 3,64,80,527। तो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे ONGC में। तो ONGC स्टॉक में अभी फेस वैल्यू देखेंगे तो 5.00 है, 52 का हाई प्राइस दिया है 133.40 पैसा एंड 52 का लो प्राइस दिया है 50 रुपीज। यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन एक दिन पहले का देखेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल वो है 1,08,64,887। तो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिल रहा है स्टॉक पे। डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी का परसेंटेज देखेंगे तो वो है 29.78% के आसपास। तो ये स्टॉक में डिलीवरी अच्छा हुआ, डिलीवरी जो है डिलीवरी की जो क्वांटिटी है वो भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी ग्राफ में देखा है तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम हम लोग ग्राफ लगाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम इसका प्राइस भी देखते हैं ONGC स्टॉक का 467 के आसपास ये स्टॉक का प्राइस था। उसके बाद जो है स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिला, फिर से यहाँ पे देखेंगे तो एक तेजी दिया था स्टॉक ने 295.13 पैसे पहुंचने के बाद फिर से गिरावट देखने को मिला है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है स्टॉक में बहुत जो है बार हम लोग को गिरावट भी देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर देखेंगे आप जैसे कि 5 इयर्स का अगर रिटर्न देखते हैं हम लोग ये स्टॉक में तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। 1 ईयर में भी जो है इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है, 1 महीने का हम लोगों ने देखा है अच्छा रिटर्न दिया है। SIP का अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं ये स्टॉक पे, आप देख सकते हैं SIP का जो प्राइस है यहाँ पे वैल्यू आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं SIP का वैल्यू क्या है 4,232.52। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है, फिर से तेजी, यहाँ पे एक डाउन जो है 2,271.69, फिर से यहाँ पे एक तेजी आया है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने बताया अभी या फिर ग्राफ में भी देखा है, अगर आप ONGC का स्टॉक फिलहाल खरीदते हैं तो एक बार अच्छी तरह से रिसर्च कर लीजिए इसमें आपको अभी खरीदना है कि नहीं। हम लोगों का जो ओवरव्यू रहेगा फिलहाल इसमें जो है नहीं खरीदेंगे, तो कुछ दिन रुकने के बाद अगर ये स्टॉक में और एक गिरावट देखने को मिलता है तो ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक में गिरावट जरूर आएगा, इसमें अच्छा भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर फिलहाल गिरावट आएगा तो हम लोग इसमें जो है खरीदारी कर सकते हैं, या फिर अगर किसी ने लेके रखा ये स्टॉक तो यहाँ पे थोड़ा समय होल्ड करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कुछ दिन पहले स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो आप 100 रुपीज के ऊपर पहुंच गया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टॉक का प्राइस जो है 103.90 पैसा पहुंच गया था, उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो हो सकता है इसमें थोड़ा और गिरावट देखने को मिले, फिर से इसमें तेजी आए। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए जब भी कोई स्टॉक हम लोग खरीदते हैं तो उसमें कुछ भी अपडेट्स आते हैं तो उसके चलते स्टॉक में गिरावट मजबूती दोनों चलता रहता है। तो इसके लिए जो है आपको हमेशा देखना चाहिए कि वो स्टॉक का जो कंपनी है उसमें क्या चल रहा है। तो ऐसा ही हम लोग एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे जहाँ पे हम लोग वो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आशा करते हैं आप लोग हमारे वो यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ही था कि ONGC के बारे में अभी क्या चल रहा है एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ वो शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप